हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी और आलू की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। दोस्तों, गोभी और आलू की बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है, तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने 500 ग्राम गोभी ली है और इसको बिल्कुल बिल्कुल ताज़ी गोभी ली है और काट कर पानी से अच्छे से धो भी लिया इसे। और उसके बाद हमने ये देखिए 250 ग्राम आलू लिए हैं, इन्हें भी हमने बिल्कुल अच्छे से काट कर मीडियम साइज़ के पीसेस के अंदर काट लिया है, अच्छे से पानी से साफ कर लिया है। और उसके बाद ये दो हरी मिर्ची लिए हमने, इन्हें भी छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। एक प्याज, 5 से 7 कलियां लहसुन की जिन्हें हमने बारीक पीस लिया है। ये नमक है, स्वाद अनुसार डालेंगे। ये एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया हमने, एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज में ले सकते हैं। और ये 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया हमने। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले गैस को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, गैस को स्टार्ट कर लिया है और कढ़ाई जो है बिल्कुल गर्म हो चुकी है। इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे तेल। ये देखिए, तेल को डाल दिया है और तेल को 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तैयार होने वाली है। मैं बिल्कुल साधारण तरीके से सब्जी बनाने की रेसिपी बनाता हूँ, ज़्यादा कोई भी अटर बटर नहीं बनाता और साधारण तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट जो है मैं सब्जी बनाता हूँ। तो हर जैसी भी आप वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से वीडियो, बहुत ही स्वादिष्ट वीडियो मैं बनाता हूँ। ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा। ये देखिए फ्रेंड, जीरा डाल दिया है और जीरे को जो है बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने दें। जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, अब हम डालेंगे प्याज। प्याज डाल दिए हैं और अब हरी मिर्ची डालेंगे इसके अंदर और इन दोनों को जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे इसके अंदर आलू। और आलू को 2 से 3 मिनट तक जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू को 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लें। चम्मच को लगातार चलाते रहें, धीरे धीरे आलू जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू जो है थोड़े ब्राउन हो चुका है, इसका कलर मतलब थोड़ा फ्राई हो चुके हैं। अब हम डालेंगे गोभी, फूल गोभी। देखिए फूल गोभी डाल दिए और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, आलू और फूलगोभी दोनों को हमने अच्छे से फ्राई कर दिया है। अब डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर दें हल्दी को। देखिए हल्दी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है, हल्दी पक चुकी है। अब डालेंगे मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और लहसुन का पेस्ट और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू और गोभी के अंदर सभी मसालों को। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से हमने जो है मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जो है वो चिपक ना जाए, तेल के अंदर जल ना जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दें। इसलिए थोड़ा सा पानी डाला हमने और इनको मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकाना है। मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकाएंगे
ताकि सब्जी का स्वाद जो है वो अच्छा बन जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, एक टमाटर हमने काट लिया है वो डालेंगे इसके अंदर और इसको भी मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए मसाला जो है बिल्कुल पक चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है सब्जी का। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, जितना पानी अपने को डालना है उतना पानी एक बार में ही डाल दें। तो ये हमने जो है आधा लीटर पानी इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा तरी बनानी है तो ज़्यादा पानी इसके अंदर डालें और कम बनानी है तो कम डालें, और सूखी सब्जी अगर बनानी है तो पानी नहीं डालें इसके अंदर, सूखी सब्जी भी बन जाती है फ्राई तेल में फ्राई करने के बाद। तो ये हमने आधा लीटर पानी के अंदर बना रहे हैं इसको। अब इसको ऊपर से ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे दोस्तों, तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू और फूल गोभी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो अब इस सब्जी को हम अलग बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, सब्जी को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।